सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं जिनके नाम ANRSPGKL से हैं, आपके बेटे 21 दिन के बाद गवर्नमेंट जॉब की गुड न्यूज को सुनेंगे। बोलो आमीन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट गवाही के साथ ब्रांच, हाँ कोलकाता ब्रांच। हालेलुया। हाँ जी, बहुत बड़ी गवाही है। ए माता कहवे तेरे 8 साल से थायराइड था, 7 साल से गुप्त प्रॉब्लम था, 5 साल से पाइल्स था, घर ए बहन को घर के साथ आशीष मिला, 12 साल से पेट में ट्यूमर था, 4 साल से गुप्त प्रॉब्लम था, 7 साल से पाइल्स था, 7 साल से गुप्त प्रॉब्लम था, 8 साल से ब्रेस्ट में ट्यूमर था। जैसे यहाँ पे आया एनोटिक ऑयल को यूज किया, भविष्यवाणी को रिसीव किया, 8 साल का ब्रेस्ट ट्यूमर धुआं बनकर उड़ चुके हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। देखो पूरा चर्च बाहर भी खड़े हैं लोग, अंदर भी बैठने की जगह नहीं है। कोलकाता ब्रांच परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है। देखो कितनी सारी गवाहियां आ रही हैं जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और यहां से ऑनलाइन प्रार्थना करते हैं आपके सामने। देखो कोलकाता ब्रांच में गवाहियों की लाइन लगी हुई है। गुप्त प्रॉब्लम चली गई, रसोलियां चली गई, वो बता रहा है कि गिल्टियां चली गई, अलग अलग जो भी बीमारियां आपकी गई हैं, अपने हाथों को उठाऊं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर आशीष दे। कोलकाता ब्रांच आपके वहां से झारखंड सिर्फ थोड़ा ही है। हालेलुया। जो आना चाहता है आ सकता है। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय 23 नवंबर याद रखना, वीरवार हम शाम को 5 बजे मीटिंग करेंगे। ये याद रखना कि जहां पर अभिषिक्त जन प्रभु की ओर से खड़ा हो जाता है, मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट शमवेल के द्वारा 2 राजा बने। हालेलुया। याद रखना मेरे द्वारा बहुत सारे लोग, मेरे पर आशीष है, आप राजा बनेंगे अपने घर में, अपने शहर में यीशु मसीह के नाम में। इस मीटिंग को अटेंड करना, जो आपका दुख होगा खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो गया था, मेरा नंबर नहीं आया, बहुत दूर। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। जब आप उस प्लेस पर आते हैं, जकरिया 14:17 में लिखा कि जो लोग इसराइल में 3 बार करा, साल में 3 बार नहीं जाएंगे, करा उनके घर पर आशीष की वर्षा नहीं होगी। तो इसका मतलब ये आपके लिए भेजा जा रहा है। और उसी समय क्या होगा, जिस टाइम आप वहाँ जाएंगे, वही मिट्टी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ लेकर जाना, वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम। इसी समय अपने हाथों को उठाऊँ, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर कोलकाता ब्रांच में इसी समय पवित्र आत्मा, और सच में जो बाहर हैं अंदर हैं इस समय, परमेश्वर हाथ पकड़ लो। लेडीज बाहर जो भी हैं खड़े हैं, और इसी समय जो अंदर हैं लेडीज हाथ पकड़ लो, और इसी समय आप अपने पति के साथ अपने बच्चों के साथ जाकर हाथ मिलाना। और यहाँ पर जो भी कोई आपका आपका जन है, एक दूसरे से हाथ मिलाकर शेयर करके जाना। देखो वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। मेरे 3 बोलते ही आपको रिसीव करना है। देखो आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कैमरा, हाँ 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 हाँ, खड़े हो जाओ। अगले अंदर जो बैठे हैं, बाहर हैं, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ शाबाश, खड़े हो जाओ। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। हाथ पकड़ लो एक दूसरे का, शाबाश। और इसी समय वो अनॉइंटिंग को रिसीव करो। पवित्र आत्मा आपके घर पर वो अनुग्रह है देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज वो अनॉइंटिंग छुएगी आपको, विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक जब इन्हें छुए, इन्हें विश्वास हो, आज जब ये अंदरूनी आत्मा में होकर अंदरूनी आंखों से सच में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से, स्पिरिचुअल मन से, मेरे पिता परमेश्वर तुझे इसी समय ध्यान लगाएं। परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें टच करे, और इसी समय इनके आज से परमेश्वर
पवित्र आत्मा इनके घर से वो बैड ड्रीम, इनके सपनों से वो बैड ड्रीम खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता ये बैड सिचुएशन खत्म हो जाए आज से, परमेश्वर रास्ते खुल जाए, जो लोग बीमार हैं आज वो चंगे हो जाए, आशीषें खुले। मैं इसी समय गिन रहा हूँ, एक, जोर से बोलो यीशु, एक दो, जोर से बोलो यीशु, तीन, जोर से बोलो यीशु, ये देखो आ गया यीशु, फायर, रिलीज करता हूँ, रिलीज, 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 वो अभिषेक रिलीज हो इसी समय परमेश्वर। और इन बहनों के साथ जो हाथ मिलाए उनके घर में गुड न्यूज आए यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय कोलकाता ब्रांच आपको गुड न्यूज मिलेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथ उठाएं गवाही के साथ, शाबाश, हालेलुया। प्रॉफिट जिस भाई की बहुत बड़ी गवाही है, ये काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, जैसे ये ताजपुर चर्च में आए इन्होंने प्रोफेसी का रिसीव किया, तीन दिन गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मजा 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 के पैसे पूरे करा। बहुत अच्छा ढोल बजा रहा, ढोल ढोल बजा, ढोल 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 ढोल। गवर्नमेंट जॉब मिली है कि नहीं, वो अपना आई कार्ड साथ लाया, देखो परमेश्वर सुनता है। लेकिन ऐसे नहीं मिली, इतना बड़ा होशियार नहीं है इसको नौकरी मिल गई, ये हमारी प्रार्थना से मिली है। हालेलुया। सब लोग एक छलांग लगा के बैठ जाओ, जितने नलायक हैं होशियार बनने के लिए जा रहे हैं आज, जिनके बच्चे नलायक हैं वो होशियार बनने के लिए जा रहे हैं आज, क्योंकि मेरी प्रेयर आपको कवरिंग का काम देगी यीशु मसीह के नाम में। आप जाओगे आशीषित हो जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, बताएंगे, शाबाश। हालेलुया। सारी चर्च को, कलीसिया को जय मसीह की, प्रॉफिट जी को जय मसीह की। परमेश्वर के दास ने जब भी मैं लगातार 6-7 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन बार बार फेलियर था, फेलियर था, फेलियर। गाड़ी के बाल भी फेल हो गए। प्रभु ने बड़ा काम पाशी जी के द्वारा, पाशी ने, प्रॉफिट जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की, और चर्च में मैं 4-5 बार चर्च में आके बैठ के रो के हम दोनों प्रार्थना करके गए, और पाशी ने जब प्रोफेसी की तो हमने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया, और एक जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन प्रभु के दास ने जब प्रोफेसी की तो 3-3 सरकारी जॉब से परमेश्वर ने अपने पड़ोसी कैसे बोलो,
जो चंगा लगे तेनू गवाही दे बाद पास्टर वास्ते ओही करी दू जो चंगा लगे। हालेलुया, यही कहना पड़ेगा। क्रिसमस आ रहा भाई साहब, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो अपने पड़ोसी को, बोलो जो चंगा लगे तेनू, तेनू जो चंगा लगे तेनू जो चंगा लगे ये परमेश्वर है, यहाँ आने का फायदा मिला कि नहीं? देखो आपके सामने कह रहे हैं कि बाल सफेद हो गए दाढ़ी के, 6 साल हो गए ट्राई करते करते, लेकिन भाई साहब कोई आशीष नहीं मिली। एक दिन दोनों पति पत्नियां बैठ कर रोक कर गए और परमेश्वर ने इनके लिए एक दिन भविष्यवाणी किया और प्रभु ने ब्लेसिंग दिया। आज आपने सुना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, देखो ये भाई साहब 100वां डब्बा है, जो अगले संडे यहाँ दुकान जरूर खुलेगी मिठाई लाल की। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये देखो परमेश्वर है यहाँ पर, 23 गवाहियां अपने बच्चों की सुनी है और ये 5वीं 6वीं गवाही गवर्नमेंट जॉब की है। और कितनी बड़ी कैंसर की गवाही सुनी आपने, जो प्रभु को नहीं जानता वो पहली बार आया और चंगा होकर गया। एक अमृतसर से भाई आकर शर्म नहीं कर रहा, बता रहा है प्रभु की महिमा के लिए। HIV की कितनी गंदी बीमारी होती है, लेकिन उसने बताया कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, प्रभु की महिमा करके गया। हालेलुया, ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल जो ले हैंड करा रहे हैं, अगर आपका काम नहीं बन रहा, जो लोग बीमार हैं, समस्या में हैं, कर्जे में हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, बच्चा नहीं है, आ जाना मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी। आमीन बोलने वाले, वो मीठा मीठा हंसने के खुलेगी, वो हंसने के मीठा मीठा हंसने के खुलेगी, वो आज सुहाना नाल होवेगा, जवाइया धुनी के शैतान रोवेगा, जवाइया धुनी के शैतान रोवेगा, जवाइया धुनी के शैतान रोवेगा। एक और बड़ी गवाही है, जो मेरे छोटे ब्रदर हैं उनके ना बेटा नहीं हो रहा था, लगातार 5-6 साल से परमेश्वर के दास ने जब प्रोफेसी की, उन्होंने भी प्रोफेसी के वर्ड को रिसीव किया और एक बेटे से, बेबी बॉय से ब्लेस हुए, ये बच्चा खड़ा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ओ मेरे यीशु उठा के बोलो क्या बात है साडे यीशु विच। अब ऑनलाइन वालों की तरह बोलो क्या बात है ऑनलाइन वालों, सुन लो गवाहियां, आ जाओ वहां बैठे ना रहो, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग मुस्कुराते नहीं संडे के दिन, वो लोग निराश जाते हैं घर पर, कह रहे हैं संडे का दिन आपको दुख देने के लिए नहीं आया। आपको ये कन्फेस करके जाना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, जो मैं मांग कर जा रहा हूं मुझे अब कोई घटी नहीं होगी, मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि आज परमेश्वर के दास का वो उसके ऊपर से अभिषेक आज मेरे साथ जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाय मंगलो मंगे मसा पाकरु दा मंगलो मंगलो मंगे मसा पाक। हालेलुया, सुनो ये हुआ क्यों है, ये क्यों होता है? देखा आपने, सुना, कहता मैं 5 साल से जुड़ा हूँ, उत्तराखंड से आया, कहता 5 साल से जुड़ा हूँ, ये कहते मैं 6 साल से जुड़ा हूँ, वो कहता मैं 7 साल से जुड़ा हूँ, लोग मेरे साथ एक रिलेशन है लोगों का, 7-7 साल 6-6 साल से जुड़े हुए हैं, प्रेम का रिश्ता एक। आप लोग जब अनॉइंटेड प्रॉफिट के साथ, आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई माइका लाल आपकी गवाही को रोक ले, याद रखना। अपने पड़ोसी को बोला कोई माइका लाल तेरी गवाही को नहीं रोक सकता। मेनू जो चंगा लगे मेनू हो नजरियो, मेनू जो चंगा लगे मेनू हो नजरियो, हाय तेनू जो चंगा लगे बस ओ ही तेरी, तेनू जो चंगा लगे बस ओ, हाय तेरा बाकी कलाम मन भौंदा रवे, तेरा बाकी कलाम मन भौंदा रवे, हो
जाओ, ताड़ी बजाएं, सब लोग बैठ जाएं, जाओ अपने स्थान पर। गुरदासपुर ब्रांच के लिए जोर से ताड़ी बजाओ, गुरदासपुर ब्रांच वालों के लिए। शाबाश, अपने स्थान पर बैठ जाओ। जो लोग नाच रहे थे आज, खुश हो रहे थे, याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए। जलंधर ब्रांच, न्यू ब्रांचे जितनी भी खुल रही हैं, आपके काम 21 दिन में खुल रहे हैं आज। आमीन बोलने वाले, खोलो जोर से, ढक्कन खोलो अपने दिमाग का, आमीन बोलकर खोलो आज। हाँ हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ। ऐसे लग रहा है यीशु मसीह सामने ही खड़ा है, इतने लंबे बाल। हाँ, पास्टर किधर? बोलो जो तेनु चंगा लगे ओ करे, चंगा लगे मेनू हो ना देवी ओ तेनू जो चंगा लगे मेनू हो। तो भी अपने चर्चे बोल दे पड़ोसियों, गवाही देने वालों, जो चंगा लगे वही दे के जाना आज। अपने मतलब उठाऊं। हाँ हाँ, गवाही के साथ नेक्स्ट। ये बहुत बड़ी गवाही है, जो बैंड बता रही इनके एक और बैंड का वीजा है। नेक्स्ट, बोलता चला जा, बोलता चला जा। शाबाश, बहुत बड़ी गवाही, इनके पेट में गिल्टी थी काफी टाइम से, लेकिन इन्होंने जैसे मीटिंग को अटेंड करा, भविष्यवाणी को रिसीव करा, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज करा, आज वो गिल्टी थी और बनकर उल्टी है यीशु मसीह के। जोर से तारीफ करें, जोर से। सारे बोले हालेलुया। देखो कर्जों से आजाद हो रहे हैं, गिल्टियां जा रही हैं, गांठे जा रही हैं, लोगों के बड़ी बड़ी कंट्रियों के वीजे आ रहे हैं। मतलब वो बता रहे हैं, जब उन्होंने मेंबरशिप लिया, जब इस ब्रांच के साथ जुड़े और उनकी बेटी का काम हो गया। छोटी बात नहीं है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो चर्च में बैठे हैं, तो ये परमेश्वर है वहाँ। बेटे कहाँ का वीजा है आपकी बेटी का? यूके का वीजा है। यस, यूके का। हाँ जी। हुण पहुंच गई हो? हां जी हां जी, चली गई जे। चली गई जे? हां जी, 14 नवंबर को उसकी फ्लाइट थी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। गुरदासपुर ब्रांच, एक बात को ध्यान से सुनना है कि जो व्यक्ति ठहरा दिया गया इधर, परमेश्वर के अभिषेक दास का आदर करना है। और आप लोग जितने भी यहाँ पर खड़े हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता, आपको आशीर्वाद दे रहा है। इस चर्च में जो लोग आएंगे, अभिषेक है यहाँ पर। यहाँ से मैं फिर कर रहा हूँ, मिट्टी लेके जाना आज यहाँ से उठाकर। जिसके पास प्लांट नहीं है, जाकर डाल देना, वो घर आपका हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ गुरदासपुर ब्रांच के लिए। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुलने पाए पवित्र आत्मा। आज से मेरे पिता क्रिसमस मनाने के लिए परमेश्वर, मैं इसी समय इनके ऊपर धन की आशीष को खोलता हूँ पूरे महीने यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, ये पूरा साल पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग को देखें यीशु मसीह के नाम में, मिराकल को देखें यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा इनकी एक भी हानि होने ना दे पर परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा तू आज से इनको घटी में नहीं, आज से इनको बढ़ोतरी में लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, तू आज से बढ़ेगा घटेगा नहीं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट ब्रांच, हालेलुया। जल्दी 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 सारी ब्रांचें दिखाता रहा फटाफट। और दुबई ब्रांच खोल, मॉरिशस बाहर की ब्रांच से फटाफट प्रार्थना कराएंगे। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे कि 7 साल से इनको कैंसर हो गया था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, ये जैसे तारपुर चर्च में ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, नॉर्मल पॉइंट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। बताएंगे शाबाश। मैं बोला ये
ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੀ ਆਪਕੋ ਕੈਂਸਰ ਥਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਸਰ ਕਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥਾ ਆਪ ਛੋੜ ਦੋ ਮੈਂ ਔਰ ਕੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਓਇਲ ਸ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੇਲ ਔਰ ਬਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ हाँ चेक करवाया रिपोर्ट नॉर्मल आई उसके बाद रिपोर्टें नॉर्मल आ गई है कौन अच्छा करे राजस्थान से आया कैंसर था और इतना बड़ा आदमी देखो बुजुर्ग आदमी यहाँ पर आकर इतनी दूर से गवाही देने के लिए आया है सच्चे खुदा की महिमा करने के लिए आया है कि मैं जो ऑनलाइन सुनता था यूट्यूब पर देखता था खेरा ये ऐसे नहीं है ये सच्ची है हालेलुया ऑयल वाटर लेकर गया और थोड़े दिन के बाद आज आपके सामने इसके पास भी रिपोर्ट है कोई देख सकता है ये रिपोर्टें घनचक्कर कैमरामैन हाँ रिपोर्टें देख सकता है कि ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है रिपोर्टें कैंसर की तारीफ करो चोर से कौन है चर्च अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ बोलो यहोवा तेरे लिए सब कुछ करेगा यहोवा तेरे लिए सब कुछ करेगा अपने हाथों को उठाओ और बोलो यहोवा तेरे साथ सब कुछ करेगा आज बोलो हालेलुया हाँ इसी समय हाँ हाँ दुबई ब्रांच सुनो हाँ गवाही के साथ बैठे शाबाश हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बाबा जी इस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है इस भाई को ऑनलाइन पर फैसले रिसीव करने के बाद मिली 25 साल के नशे से आजादी इस भाई को ऑनलाइन पर फैसले और लेन पे कराने के बाद मिली 2 साल के कर्जे और बेटे को मिली जॉब की ब्लेसिंग ऑनलाइन पर फैसले रिसीव करने के बाद भाई को मिली जॉब की ब्लेसिंग ऑनलाइन पर फैसले रिसीव करने के बाद भाई के बेटे को मिली क्लास में फर्स्ट आने की अशी जोर से तारीफ करो शाबाश क्या दुबई ब्रांच वाले चिल्ला सकते हो मेरे प्रभु के लिए हालेलुया बोलकर देखो परमेश्वर सुनते हैं गवाहियों की लाइन लगी हुई है परमेश्वर सुनते हैं बोलो हालेलुया ये बहन करिए कि इसने ऑनलाइन इस बहन ने अभी गवाही दी कि इस भाई ने ऑनलाइन सुना और इसको मिली नशे से आजादी क्या बात कही ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ने गया था आजादी दोबारा सारे बोले हालेलुया विश्वास करना है गुड न्यूज मिलेगा अपने हाथों को अपने हाथों को उठाओ ऊपर कर कैमरा मैं किसी बहन को देख रहा हूँ यहाँ पर और उसके घर में उसका नाम ऐसे कोई मैथी है कोई यहाँ पर किसी को जानता है मैथी हाँ कोई बहन है यहाँ पर क्या नाम है आपका माइक में बोलो बेटे आवाज नहीं आ रही हाँ आवाज खोल लाली हाँ मती क्या नाम है मैं 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 मेरी फ्रेंड है जिनका नाम मैथ्यू है हाँ 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 यहाँ पर कोई और सुनो सिस्टर आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप बड़े टाइम से मेहनत कर रहे हो लेकिन कोई काम में इंक्रीज नहीं हो रहा अब से आपका फाइनेंस बढ़ेगा और दो घर की आशीष जो रुकी हुई है परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में मैं से लेकर एक बहन है जिसका जिसका पति पति का डेथ हो गया किसी का कोई औरत है यहाँ पर जिसका हस्बैंड का डेथ हो गया किसी का पति का डेथ हुआ कोई मतलब कि पिछले साल या किसी का कुछ ऐसा हुआ है सामने क्या नाम है आपका मती क्या नाम है मालती हाँ सुनो मैं ऐसे देख रहा हूँ आप बड़े अपसेट हो और शैतान ने एक ब्लैक मैजिक किसी आदमी ने ब्लैक मैजिक के द्वारा आपके पति को फिनिश कर दिया आप जगह जगह
गए इधर उधर, लेकिन बहुत सारे बंधन में पड़े हुए हो। आज रात आपको फिर से वो खोया हुआ आनंद देना चाहता है परमेश्वर, आपको फिर से वो ब्लेसिंग देगा परमेश्वर। जो आपके साथ वो दुर्घटना हुई, मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा अब इसी समय आपके घर में अब से स्वर्ग दूतों को भेजेगा। आज के बाद वो दुर्घटना नहीं होगी, वो शैतान, वो जो ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ था निकल रहा है आपके शरीर में से बाहर, आपके बच्चों में से, आपके परिवार से निकल रहा बाहर। चल इसी समय बाहर आ जा, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा इसके अंदर से। टच करता हूँ और इसी समय परमेश्वर इसके ऊपर तेरा हाथ बना रहे यीशु मसीह के नाम में। सुनो, ऐसे कौन है, किसको जानते हो आप? आनंद, 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 कौन है आनंद? मेरी आवाज आ रही, आनंद कौन है? आनंद कौन है? जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। सुनो होली स्पिरिट, आप मुझे जानते नहीं हो, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि आप दूसरी जगह से, कोई आबू धाबी, कोई आबू धाबी या कोई आसपास से कहीं इधर उधर से आए हो आप घूम फिर के। यहाँ आप जहाँ पर शारजा में खड़े हो, आप यहाँ से नहीं आए हो, कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हैं लड़की? फटाफट बोल, कहाँ से आए हो आप? आवाज नहीं आ रही, लली बंद क्यों कर रहा? हाँ हाँ, कहाँ से? बुर दुबई। हाँ सुनो, मैं से देख रहा हूँ कि अभी परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला है, जो आपने आपके खिलाफ ब्लैक मैजिक किए गए, आपका फाइनेंस बिल्कुल घट गया, 5-6 लाख रुपए का कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया है। होली स्पिरिट ने मेरे को बोला अभी और इसी समय, पर आप कह रहे हैं कि मेरा एक बेटा एक बेटी है आपके पास, और वो बार बार, मैं से देख रहा हूँ उन बेटा बेटी को कि वो बड़ी टेंशन में है, कि मेरे आप टेंशन लेते हैं उनकी, पता नहीं क्या होगा। परमेश्वर ने कहा, मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी अलका को, देख रहा हूँ अलका को, क्या क्या नाम है, क्या नाम है? जोर से तारीफ करें, जोर से। सुनो सुनो, फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च, पहली बार आ रहे हो यहाँ पर? पहली बार आई है यहाँ पर? आवाज खोल, यस पहली बार आई है, ताड़ी बजाएंगे जोर से। सुनो, ये बंधन आज क्यों टूट रहा है? ये अभिषेक का स्थान है जहाँ पर तंबू तैयार किया गया PBSM का, याद रखना, ये परमेश्वर की ओर से ब्रांचें बनाई जा रही हैं। ये बहन को आप सुन लेना, इसकी गवाही को, ये 5-6 लाख के कर्जे के अंदर है, इसका पति मर गया, इसके प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम है इसके ऊपर, और 6 महीने के अंदर आप इसकी गवाही सुनेंगे चर्च में खड़े होकर कि इसके सारे घर का नक्शा बदल गया, ठीक हो गया यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आज इसने फैसला लिया है कि मैं इस ब्रांच के साथ खड़ी हूँ, यहाँ पर आ रही हूँ। अभिषेक, आज दुबई ब्रांच वालों आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो दुबई ब्रांच सब। पवित्र आत्मा, मैं ब्लेस करता हूँ हर एक जन को। मॉरिशियस ब्रांच खोल दे फटाफट इसी समय। पवित्र आत्मा जी, मैं ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में मॉरिशियस ब्रांच के ऊपर। अपने हाथों को उठाओ, जर्मनी ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, गवाही के साथ फटाफट, टाइम कम है, मैं सबके लिए प्रेयर कर रहा हूँ बेटे। गवाहियां चर्च में ले लो। गुजर रही थी अनॉइंटिंग ऑयल, वाटर यूज किया और ऑनलाइन प्रोफेसी रिसीव किया, चंगाई पाई और नए घर और कार से आशीष हुई। इस सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है। ओवरी में रसोल सिस्ट था और अनॉइंटिंग वाटर यूज किया और इसके यूरिन से द्वारा सिस्ट बाहर निकल गई। मिराकल, ताड़ी बजाओ जोर से, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। इस सिस्टर ने ऑनलाइन प्रोफेसी रिसीव किया और जमीन से ब्लेस हो चुकी है। ये सिस्टर ने ऑनलाइन प्रोफेसी रिसीव किया, बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ रिसीव किया है। इस सिस्टर ने ऑनलाइन प्रोफेसी रिसीव किया और बाहर जाने का उसे अपॉर्चुनिटी मिला है। इस सिस्टर ने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया और ऑनलाइन प्रोफेसी रिसीव किया, गाड़ी का फिटनेस हो चुकी है। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। सब लोग अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मॉरिशियस ब्रांच के ऊपर पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह वाला हाथ उतरने पाए परमेश्वर। ब्लेसिंग रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे, आमीन। हाँ हाँ, नेक्स्ट ब्रांचे सब खोलते रहे, शाबाश। सब ब्रांचे खड़े हो जाओ फटाफट अपने स्थान पर। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। अपने सिर पे हाथ रख ले बेटे, कोई ऑस्ट्रेलिया ब्रांच। हाँ फटाफट एक गवाही दे, जल्दी से एक गवाही दे दे फटाफट। हाँ
और सुन लड़की, मेरी बात सुन बेटे, सुनो, आप हाथ आगे करो स्क्रीन की तरफ। परमेश्वर ने ठान लिया है तू एक बहुत बड़ी पास्टर बनने वाली है। Yes, तू अपने कॉन्फिडेंस को बाहर निकाल। तू जब प्रेयर करती है लोग सोचते हैं बच्ची है ये, गलत बात है, मत सोचना इसके बारे में ऐसा। इसके द्वारा बहुत सारे काम होंगे। हाथ कर स्क्रीन की तरफ और आज सिर पे हाथ रखना इनके और देख। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर को अनॉइंटिंग रिलीज करता हूँ इस बेटी के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। और सच में जो इसने पवित्र आत्मा जी तुझे अपना मन दिया है परमेश्वर, इसको ब्लेस करा यीशु मसीह के नाम में। जब ये लोगों के सिर पर हाथ रखे आज बड़ी बड़ी गवाहियां तैयार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये क्रिसमस इनके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। चल जा आज हाथ रखना, बाद में अपने हाथों को उठाऊ शाबाश। इसी समय संभाल खा ब्रांच पवित्र आत्मा जी मैं इनको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय साइप्रस ब्रांच, जर्मनी ब्रांच, दिखाता रहे यूके ब्रांच, जहां पर साउथ हेल में परमेश्वर आज न्यू मीटिंग है पवित्र आत्मा जी। इसी समय परमेश्वर झारखंड ब्रांच और इसी समय पवित्र आत्मा जलगांव में मेरे पिता पुणे में, इस समय परमेश्वर महाराष्ट्र वाले जो हाथ उठा रहे हैं थाने वाले और इसी समय अंधेरी वाले हाथ उठाओ शाबाश। मुंबई अंधेरी वाले पवित्र आत्मा यूपी से, नागपुर से इस समय परमेश्वर, आगरा से पवित्र आत्मा, मुजफ्फरनगर से इस समय, सहारनपुर से और इसी समय दिल्ली ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। मैं देख रहा हूँ आपको ऑनलाइन स्क्रीन पर, विश्वास करो मैं बोल रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ। मेरे चेहरे को देखने के बाद, मेरे हाथों को देखने के बाद, जो इस समय मुझे देख रहे हैं अहमदाबाद से, गुजरात से, इस समय जो लोग जुड़े हुए हैं इस समय ऑनलाइन है, मैं देख रहा हूँ उन सबको हाथ हिला रहे हैं शाबाश। हाथों के अलावा हैदराबाद ब्रांच, अपने हाथों के अलावा शाबाश केरला ब्रांच, और इसी समय मैं देख रहा हूँ इटली में, कोरिया में, मैं इसी समय देख रहा हूँ जापान में, हांगकांग में, अपने हाथों को उठाऊँ शाबाश। हांगकांग ब्रांच पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। और इसी समय गोवा ब्रांच, अपने हाथों को उठाऊँ बठिंडा, और इसी समय यूक्रेन में, मैं देख रहा हूँ इसी समय इसराइल में जो लोग इस समय हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर का आत्मा, जर्मनी में परमेश्वर इसी समय मस्तान हाथ रखना इनके सिर पर विश्वास के साथ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने ठान लिया है कि मैं तुझे एक पास्टर बना रहा हूँ। मोगा ब्रांच, अपने हाथों को उठाऊ शाबाश। मैं देख रहा हूँ इसी समय तूने एक नया कोट डाला है, पता है तेरे को मोटू अपने हाथों को उठाऊ शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ फिरोजपुर फाजिलका दिखा शाबाश। फाजिलका ब्रांच को ब्लेस करता हूँ परमेश्वर। मोगा ब्रांच को ब्लेस करता हूँ। कपूरथला ब्रांच दिखा शाबाश, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अमृतसर ब्रांच को दिखा, ब्लेस करता हूँ। होशियारपुर ब्रांच को दिखा शाबाश, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिन ब्रांचों को मैं देख रहा हूँ इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग से भर जाए आज, भर जाए आज, भर जाए आज। एक बड़े बड़े चमत्कार इनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। आज से इनकी लाइफ में पवित्र आत्मा जी, आज से नए नए मिराकल होने पाए पवित्र आत्मा जी। आज से इनके बच्चे आशीषित होने पाए। नेपाल ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ, कुर्सियां छोड़कर खड़े हो जाओ। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और इसी समय परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ बना रहे इनके ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम में। अंधेरी ब्रांच, अपने हाथों को उठाऊं शाबाश और इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। त्रिपुरा ब्रांच में, अगरतला ब्रांच में मेरे पिता परमेश्वर सारी ब्रांचों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अपने हाथों को उठाकर जोर से ताड़ी बजाऊं सारी ब्रांचें, आपके लिए गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम। न्यू चंडीगढ़, दिल्ली ब्रांच, अंबाला हरियाणा, मैं फिर कर रहा हूँ राजस्थान ब्रांच और इसी समय बठिंडा ब्रांच। इसी समय पास्टर देख लिया मैंने तेरा कोट बहुत अच्छा है, अपने हाथों को उठाऊ शाबाश। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप जहाँ से मुझे देख रहे हैं गुड न्यूज को देखेंगे, हांगकांग ब्रांच, हर एक ब्रांच आज से आशीष को देखेगी यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने ऑनलाइन इस समय परमेश्वर जुड़े हुए हैं। मैं इसी समय पवित्र आत्मा इनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं GNRSPKL नाम वाले 3 महीने के अंदर आप किराए के मकान से अपने मकान में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। फाजिलका ब्रांच खड़े हो जाओ, कुर्सी पर बैठने का टाइम नहीं है, तुम्हें आवाज नहीं आ रही, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग खड़े हैं, ये खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आज से एक बड़ा प्रतिफल इनके घर में, इनके चर्च में जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो अभिषेक उतरने पाए। जो कोई नशा करता है इसी समय नशा छूट जाए। जिसके पास जॉब नहीं है पवित्र आत्मा जॉब मिलने पाए। जिसके कोई गले में, सिर में, हाथों में, पैरों में तकलीफ है इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष ठहरने पर, रतिया ब्रांच, हिसार ब्रांच, मैं देख रहा हूँ सरदार जी आपको इसी समय गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय हिसार ब्रांच, अपने हाथों को उठाऊ शाबाश, पवित्र आत्मा छू ले यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्लेसिंग उतरने पाए पवित्र आत्मा इन सब ब्रांचों के साथ। मेरा यहोवा आशीष देने के लिए उतर आया आदि यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन।
ध्यान से जो लोग वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। सब ब्रांचों में एक दूसरे से हाथ मिलाओ, बोलोगे परमेश्वर ने ठान लिया तुझे आशीष देकर रहेगा। मैं देख रहा हूँ ब्रांचों को हाथ मिलाओ एक दूसरे से, क्वायर वॉलंटियर सब हाथ मिलाओ एक दूसरे से और बोलोगे परमेश्वर तुझे आशीष देकर रहेगा आज। मैं देख रहा हूँ आपको हाथ उठाकर बोलो एक दूसरे के साथ के परमेश्वर ने ठान लिया तुझे आशीष देकर रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको गुड न्यूज मिलेगी। आमीन बोलने वाले मेरे पिछले, देखो ठान लिया इन लड़कों ने के परमेश्वर आशीष दे रहा, दिखाई दे देख। आमीन बोलो, हालेलुया बोलो जोर से आज, हालेलुया। कितनों ने ठान लिया आज, कितनों ने ठान लिया आज, बोलो 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 बोलो। जो तेनु चंगा लगे ओ तू करी अज, तेनु जो चंगा लगे सब लोग बैठ जाओ और इस समय सब लोग अपने हाथों में बीज पकड़ेंगे आज, बीज पकड़ेंगे बैठ जाएंगे सब। मैं गवाहियां ले रहा हूँ फटाफट, हाँ ले गवाही ले। हालेलुया, प्रॉफिट जिस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है, ये बहन अपनी गवाही में बता रही कि काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं मिल पा रही थी। तारपुर चर्च में ही प्रोफेसी को रिसीव किया, गवर्नमेंट जॉब के साथ प्लस आ चुकी है। हालेलुया, ओ मीठा मीठा हंसने के लिए। गवर्नमेंट जॉब किसको मिली है? हमको पापा, तेरे को? मैंने एक गीत सुना था, पता नहीं चुई मुई इतना है। देखो छोटी सी बच्ची और गवर्नमेंट जॉब लेके चलेगी कि नहीं, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया ये? मैं फिर कह रहा हूँ जो ब्रांच में मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। अगर आप आदर करते हैं और मेरी बात पर विश्वास कर कर यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, हर संडे आशीष लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्रांच में से आशीष लेकर जाएंगे चर्च। हाँ बेटे कहाँ से आए आप? फाजिलका से। जोर नाल बोलना, फाजिलका से। एना भी जोर थोड़ी लाना है। कैसे मिली आशीष? पापा जी भी ऑनलाइन देख रहे हैं लाइव से। पापा जी बोल रहे हैं जसप्रीत गवर्नमेंट जॉब मिलने जा रही है। तेरा जसप्रीत? अच्छा, मैं वर्ष रिसीव किया, मैं गवर्नमेंट जॉब ना ब्लेस हो चुकी हूं। हालेलुया, तो कह रहे ओ पेड़े पेड़े मैं गवर्नमेंट जॉब दे नाल ब्लेस हो चुकी हूं। ये फिरोजपुर फाजिलका से आई है, सुन रहे हैं कि नहीं? फिरोजपुर वाले, अमृतसर वाले, बठिंडा, कपूरथला जो मुझे देख रहे हैं इसी समय, फिर कह रहा हूँ आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं। वो मेरे यीशु जी ने बोल दी क्या बात। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे लाइन लगी हुई है गवाहियों की। इनका बच्चा डेड हो गया था। कौन डेड हो गया था? ये लड़का कह रहे डेड हो गया था। आपने पिछले संडे भी गवाही सुना था। मैं कह रहा हूँ कि ये डेड वाली गवाहियां अपनी मर्जी से नहीं आती जी, ये परमेश्वर की मर्जी से आती हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप मुर्दा चर्च के अंदर नहीं हो, जिंदा चर्च में बैठे हो। हालेलुया, जिंदा यीशु मसीह के बीच में बैठे हो। परमेश्वर मुर्दे लोगों के बीच में काम नहीं कर रहा, जिंदा लोगों के बीच में काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं? देखो, और वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। हाँ, क्या हुआ था? मैं यहाँ से पापा जी बोल के गए। पहले बता क्या प्रॉब्लम थी, शुरू कर। हाँ, मैंने आशीष लेकर पापा जी बोले जो आशीष हम देते हैं। पता नहीं क्या बोली जा रहा है। पहले ये मैं बता क्या प्रॉब्लम थी, कैसे प्रॉब्लम हुई? सर कैंसर थे। हाँ वहाँ बताओ। हाँ क्या था? इनको कैंसर था। किन को क्या लगते हैं आपको? शुभ समाचार सुनाए गए थे ना कहीं और। बताओ बेटे। हाँ हाँ, हमको कैंसर थे। हाँ हाँ, फिर कैंसर थे, ब्लड चल रहा था, ये नट्टी है ना, नट्टी में पूरा ये ब्लड पूरा ब्लड था। हाँ, हम डेथ हो गए थे, मर गए थे, तो पानी एक बूंद पिया। किसने डाला? मम्मी ने डाला। आपकी मम्मी ने डाला? हाँ। किसने डाला? इसका मम्मी ने डाला। इसकी मम्मी ने पानी डाला इसके मुंह में? हाँ, मुंह में कैंसर था जी, डेड हो गया था। इसकी मम्मी ने अनॉइंटिंग वाटर डाला मुंह में और क्या हुआ? जी उठा और जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा
दिखा रहा हूँ कैमरे के सामने, जा बैठे कैमरे के सामने, इसके होंठ दिखाने हैं कैमरे के सामने, इसके होंठ, होंठ कहाँ है इसके लड़की, कैमरा कौन सा चला रहा है, हाँ इधर आ जा, इधर इधर जाऊँ, हाँ शाबाश, देखो इसके होंठ दिखा, आगे ले जाना, इसके होंठ दिखना है, ध्यान से देखना है, जूम कर दे होंठ, आँख नहीं देखनी मैंने इसकी, नाक नहीं देखना, नाक साफ करके नहीं आया होगा ये, मुंह दिखा इसका, होंठ दिखा, होंठ दिखा, होंठ और दिखा, खोल बैठे होंठ थोड़े से, इसके कैंसर की वजह से होंठ अंदर से काले और सूख गए, सुन रहे हो, डेड जब हो जाता है व्यक्ति उसका शरीर सुन पड़ जाता है। पिछले संडे भी आपने रो रो कर गवाही सुनी उस बंदे की, और ये भी बता रहा है कि मेरी मम्मी ने अनॉइंटिंग वाटर डाला घर में और जिंदा हो गया। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। अपने हाथों को उठाएं शाबाश, देखो कोई डेड हो गया, किसी के घर में मेरा इकल मनी थी, किसी को बवासीर की प्रॉब्लम थी, इसको भी बवासीर की प्रॉब्लम थी, चार साल से प्लॉट लेना चाहते, जॉब नहीं थी, प्लॉट मिले, घर मिले, कार मिली, स्किन एलर्जी थी, अनॉइंटिंग सौंप लगाई इसने, जो अंजीर की टिकिया, मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ हमारी अंजीर की टिकिया यूज किया करो आप, प्रार्थना वाली टिकी है वो, उसके बाद आपको एलर्जी आपके शरीर पर एक भी निशान नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि और इसकी वाइफ भाग गई थी, क्या था आज है, कहाँ है वाइफ, कहाँ है, भाग ही गई हमारी तरफ से, तो जब चर्ची नहीं आती तो भाग ही गई, पिछली बार आई थी। देखो कह रहे हैं कि इसकी वाइफ को जॉब मिल गई, अपने हाथों को उठाऊं शाबाश, कार की आशीष, सांस लेने में अस्थमा की प्रॉब्लम थी, आजाद हो गए। देखो लोग कोई सेब लाया, कोई केले लाया, कोई संतरे लाया, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो इन गवाहियों के लिए शाबाश। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर, उधर बैठ जाओ सामने शाबाश। अब इसी समय सब लोग विश्वास करें पवित्र, यहीं बैठ जाओ शाबाश, इधर इधर अपने हाथों को उठाऊं, गवाहियों का समय हो गया, सब लोग विश्वास करें। कितने लोग सुन रहे थे इन गवाहियों को, बाइबल बोलती है जो गवाही सुनता है उसके घर में भी एक गवाही बनने पाए, आमीन। किसको कहा परमेश्वर ने, ओए इस खंबे से आने बैठाइयो दोबारा, सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से, जिन लोगों ने गवाहियां सुनी आज उनके घर में मिराकल होके रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है सुनने से अभिषेक ट्रांसफर होता है, देखने से अभिषेक ट्रांसफर होता है। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिसको जिस चीज की गवाही चाहिए, मैं कह रहा हूं जिसने सुनी है परमेश्वर वो गवाहियां आपके ऊपर रिलीज कर रहा है यीशु के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। आइए हम सब बीज बोएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको आशीषित करेगा। बीज बोने वालों को पवित्र आत्मा छू रहा है और बरकत दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और बीज बोएंगे शाबाश, बीज बोएंगे, बीज बोएंगे, जल्दी से अपने हाथों में बीज पकड़े। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरी जिंदगी में चमत्कार हो, कितने लोग इंडिया को हराना चाहते हैं, हाथ उठा के बताओ। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। जिताना चाहते हो कि नहीं? Yes. आपकी भेंट आपको जीत दिलाती है। Yes. ऐसे ही आपकी भेंट, अय्यूब को पता था कि उसकी भेंट कह रहे कि एक शैतान के बड़े प्लान को कैंसिल कर देगी, और उसको डर था अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे कहीं पाप में ना गिर जाएं, मेरे बच्चे कहीं गलती ना कर बैठे, कोई हानि कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी समय कह रहे कि वो सुबह भोर के समय बीज पकड़ा और भेंट चढ़ाई परमेश्वर को। भेंट चढ़ाने वालों के लिए परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, कह रहे तेरे दोस्तों के भी मैं अपराध को क्षमा कर दूंगा, आमीन, अगर वो 7 बैल 7 मेढ़े मेरे लिए चढ़ाएं। याद रखना, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद में बदले, तो आपको
भेंट चढ़ानी है, भेंट आपके लिए रास्ते खोलने वाली यीशु के नाम में। अपने हाथों में उठाओ, अपनी मुट्ठी में उठाओ अपनी भेंट। जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री के ब्रांच में बो रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सबकी लिस्ट मेरे पास आती है हर संडे, हर वीरवार मैं कह रहा हूँ वो लोग बोते हैं जो मैं देखता हूँ। कई लोग मुझे जानते भी नहीं है लेकिन वो घर बैठकर अपना टाइथ अपना ऑनलाइन स्कैन करके आईसीआई बैंक में डालते हैं और मैं उनके लिए हाथ रखकर प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर बोलता है कई बार आप ऐसा किया करो, गुप्त में दिया हुआ दान कह रहे हैं कि ज्यादा लगता है, याद रखना यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज अपने हाथ में मुट्ठी में बीज पकड़ा है, बीज अपने हाथ में बीज पकड़े, आज अपनी मुट्ठी में बीज पकड़े, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी जो आज सरकारी नौकरी के लिए बीज लेकर आया अपने बच्चों के लिए, जो अपने बच्चों की शादियों के लिए बीज पकड़ा इन्होंने परमेश्वर, जो इन्होंने पवित्र आत्मा अपने बच्चों की सफलता के लिए अपने घर बनाने के लिए पवित्र आत्मा जो उत्तम भेंट लेकर आए हैं बेस्ट बीज के साथ परमेश्वर, इनका कैरियर खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में, इनका फ्यूचर खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में, इनको आशीर्वाद मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज से इनका बीज, इनका बोया हुआ बीज आज पवित्र आत्मा इनके लिए गवाही बनकर बोलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके पर खुलने पाए, पवित्र आत्मा इनके पर दान वरदान आने पाए, हर एक आशीर्वाद स्वर्ग से रिलीज होने पाए। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूँ आज से नुकसान होने बंद हो जाए। पवित्र आत्मा जिनका पैसा सच में डॉक्टरों के पास दवाइयों में नुकसान में परमेश्वर जा रहा है, पवित्र आत्मा से वो शराब इनके ऊपर से टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तूने कहा 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना बरकत दूंगा इसाक को, तूने परमेश्वर उसी साल में जैसा कहा वैसा करके दिखाया। परमेश्वर आज जो इस समय छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से यूपी से बिहार से महाराष्ट्र से राजस्थान से हरियाणा से जम्मू से पंजाब से मेरे पिता परमेश्वर उत्तराखंड से यूपी से और इस समय फॉरेन से परमेश्वर जुड़ी ब्रांचें जो ब्रांचों में बो रहे हैं परमेश्वर इनके घर में आज से आशीषें डबल होकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए और ये लोग आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग आमीन बोल रहे हैं वो गुड न्यूज देख रहे हैं। बीज बोने वाला आशीषित हो जाए आज रात, अपनी आशीषों को खुलता हुआ देखे आज रात। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। पास से सपना दुआ करेंगी, शाबाश। तू आमा मेरी सुनता है, मेरा रब सुना। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और हम दुआ में जाएंगे। जिन जिन खुदा के बेटे बेटियों ने ऑनलाइन चर्च में अपने स्पेशल बेस्ट भेंट निकाली है कि लिखा कि जब आपको बीज बोने के लिए बोला जाए, यानी कि जब पवित्र आत्मा का समय है, जितने ऑनलाइन चर्चे मौजूद हैं खुदा के बेटे बेटियां चर्चिस में मौजूद हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, जितने खुदाबंद की हजूरी में मौजूद हैं, अपने हदिये अपने दशवांश अपने लव ऑफरिंग यहोवा के सामने जो हाथों में उठाई है, खुदा के कलाम के अंदर लिखा कि जितनों ने यहोवा की ओर देखा उन्होंने ज्योति को पाया। इस समय अपने बेस्ट भी जो आपने हाथों में उठाए हैं मेरा परमेश्वर उसका बेस्ट रिजल्ट आपकी लाइफ में देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज जितनों का विश्वास परमेश्वर पर है और परमेश्वर की ओर देख के आप अपने हदिये जब खुदा के सामने लिखा उपजाऊ भूमि के अंदर जब उस बीज को आप बो रहे हैं, कितने जानते हैं कि बंजर भूमि में जब आप बीज को बोएंगे वो फल नहीं लेके आता, लेकिन जब आप अपना बीज खुदा की हजूरी में फलवंत जगह पे बोएंगे तो आशीष भी बड़ी आएगी यीशु मसीह के नाम में। सब अपने हाथों को उठाएं और एक मन हो, आज हम खुदा से प्रार्थना करेंगे कि खुदा कि आपके राज्य में खुदा आज जो हमने बीज बोया नेक्स्ट संडे इससे डबल हम खुदा तेरी हजूरी में लेकर आए परमेश्वर। शोभा यात्रा के लिए खुदा हमें रेडी कर, क्रिसमस के लिए रेडी कर, नए साल में बोने के लिए रेडी कर खुदा। ये पूरा महीना खुदा एक बड़े बीज के साथ खुदा मैं तेरी हजूरी में आऊं, तेरे राज्य में तेरी महिमा करते आऊं। कितने खुदा के बेटे बेटियां तैयार हैं से प्रार्थना करने के लिए। खुदा ने कहा मांगोगे दिया जाएगा, खुदा कहता तू मांगते नहीं हो इसलिए मिलता नहीं है। कितने मांगने के लिए तैयार है, तैयार है आप तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। आपके बीच में टीम आ रही है, जो रह जाए वो अपने हाथ को हिलाए कि खुदा आज मुझे रुकना नहीं है, बचाना नहीं है, आज मुझे बोना है। जो बोएगा वो लेकर भी जाने वाला है साथ में यीशु मसीह के नाम में, जो बोएगा वो लेकर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पड़ोसी को कहो आज रुकना नहीं है, आज डबल डबल बोना है। स्क्रीन पर QR कोड देखें, अपने हदिये स्पेशल बीज इस समय यहोवा के सामने हम लेकर जाएंगे, आनंद के साथ लेकर जाएंगे, खुशी के साथ लेकर जाएंगे। यहोवा ने कहा कि मैं स्वर्ग को खोलूंगा तुम्हारे लिए, और जब स्वर्ग खुलता है, जब बारिश आती है बड़ी जोर से आती है, कितने लोग जानते हैं,
प्रभु ने कहा जो अपना दशवांश लगातार बोएगा, जब बारिश आती है तो ऐसी आती है कि वो रुकती नहीं है, ऐसी आशीषें आपके लिए खुलने वाली हैं स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। यानी वो धन की आशीष एक बड़ी बारिश के साथ आपके घर पे उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और कितने लोग जानते हैं 15 तारीख यानी 15 दिसंबर शोभा यात्रा है जो जलंधर। हालेलुया, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं विश्वासी थी तो भी मैं ऑफिस से छुट्टी करके शोभा यात्रा अटेंड करने आया करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब खुदा के दास उस फॉर्म में उस अभिषेक से भर के और यीशु मसीह परमेश्वर के दास के साथ उस गाड़ी में बैठ के जब निकलता है, जितने लोगों पे नजर जाती है, जितने लोगों पे नजर जाती है वो सब चमकने वाले हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने तैयार हैं आने के लिए? बोलो खुदा मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। इन दिनों में जब शोभा यात्रा होती है लोगों को हेल्प की जाती है, फ्रूट्स दिए जाते हैं, काउंटर्स लगाए जाते हैं, जगह जगह खाने का इंतजाम किया जाता है, क्योंकि राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह उस दिन लोगों को सुसमाचार दिया जाता है, खुल्लम खुल्ला सुसमाचार बांटा जाता है। जब लोग देखते हैं ना आप लोगों को निकले हुए कि इतनी बड़ी भीड़ परमेश्वर के लोगों की है, कोई आपसे सुनता है, कोई पूछता है क्या हो गया सिस्टर, ये क्या निकल रहा है, तो आप जब सुसमाचार सुनाते हो तो उसकी आत्मा को बचाते हो यीशु मसीह के नाम। कितने लोग रेडियो के आने के लिए तैयार है, कितने लोग गाड़ियां सजा कर लेकर आने के लिए तैयार है। आप आना घटी में आओगे, लेकिन जब पूरी शोभा यात्रा अटेंड करके घर पहुंचोगे गुड न्यूज आपका वेट कर रही होगी यीशु मसीह के नाम। जो नहीं भी है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो घर पे आपको मिलने वाला है जाके यीशु मसीह के नाम। पैदल चलने वाले लोग, हालेलुया बोलने वाले लोग, जो गाड़ियां सजा कर लेकर आते हैं, लोग खुश होते हैं कितना प्यार अपने परमेश्वर से। जितने भी दूर वाले मुझे सुन रहे हैं, मैंने बोला दूर वाले रेडी हो जाओ 15 तारीख आपको, जितनी ब्रांचेस मुझे सुन रही हैं, आप जहां कहीं भी रहते हैं, आपको चंडीगढ़ भी अटेंड करनी है, आपको जलंधर में भी शोभा यात्रा अटेंड करनी है, जब आप कहीं से भी दूर शहर से आके ब्रांचेस वाले खासकर सुने, जब आप आएंगे यहाँ शोभा यात्रा अटेंड करेंगे, तो आप जब अपने शहर में पहुंचेंगे वहां पे हल्ला मचने वाला है यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बेधारी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जलंधर वाले तो हमारे बड़े एक्साइटेड रहते हैं, नहीं? आपको भी इस बार जो नए लोग जुड़े हैं ब्रांचेस में जरूर शोभा यात्रा में आए, 20 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचे, और स्पेशल मीटिंग जो परमेश्वर के दास ने बताई है मेंबर्स की, डायमंड पार्टनर्स की, जो बनना भी चाहता है 29 तारीख को चंडीगढ़ में होने के लिए जा रही है, आपको फेसबुक पे भी डाला जाएगा, आप जरूर इस मीटिंग में आए। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि क्यों जाएं, क्या होगा, लेकिन जो विश्वास करके आते हैं परमेश्वर उन्हीं का नंबर लगाता है उसी दिन यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हाथों को उठाएंगे और हम दुआ में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपने बोला कि पवित्र आत्मा से जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके वचन में हमने सुना कि यदि आप कहेंगे परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे बिजनेस में मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे बच्चों के साथ है, परमेश्वर मेरे घर में मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी किचन में मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी जॉब में मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरी सेवकाई में मेरे साथ है, मेरे सुसमाचार सुनाने में मेरे साथ है, मेरे बीज बोने में मेरे साथ है, तो खुदा ऐसे बच्चे फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनका घराना फलवंत हो यीशु मसीह के नाम में, ये बचाए जाए मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम में, ये ब्लेस किए जाए यीशु मसीह के नाम में, और खुदा इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, विश्वास करें, तालियां बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, खुदा बदलने के लिए जा रहे हैं, खुदा आशीष देने के लिए जा रहे हैं, खुदा आपके मनोरथों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। जितने शोक में आए थे वो आनंदित होकर यहाँ से जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। कितनों को विश्वास है? मैंने बोला जो रह जाए तो वॉलंटियर को आवाज लगा के बुला लेना, क्योंकि चरवाहा बीच में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर बोल रही हूँ जो रह जाए हाथ हिला के वॉलंटियर को बुला लेना। ऑनलाइन चर्च अगर रह गए हो तो कॉल करके प्लीज बीज को बोना, या क्यूआर कोड देखकर अपने बीज को बोना, स्क्रीन पर देखें अकाउंट नंबर देखकर बोना। ये बोने का समय है, लिखा काटने का भी समय है। आज बीज बो रहे हो तो जनवरी काटने के लिए भी रेडी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। पूरा दिसंबर बोकर देखो, जनवरी से आशीष शुरू हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कितनों को विश्वास है? मेरी गवाही है। मैं बार बार गवाही इसलिए नहीं देती, लोगों को शक होता है कि अपने लोग इकट्ठा करते हैं, लेकिन मेरी जीवन की गवाही है मिट्टी पर से खुदा ने मुझे उठाया है।
मिट्टी पर से क्यों उठाया मैंने विश्वास किया, इस कलीसिया में विश्वास के साथ बोया और मैं बोती हूँ। मेरे घराने में चाहे मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, कोई भी है, उनके पास जो भी सैलरी आती बीज आती है वो सबसे पहले कहते हैं पहले खुदा के लिए निकालो। आप दास को नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर को दे रहे हो। वो दूसरों को भी एक ही बात कहती हैं, अगर कोई उन्हें कहता है मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरी मदर एक बात कहती हैं कि तू जा प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में और अपने बीज को लेकर जा, तुझे कहने की जरूरत नहीं है, तू चेयर लेके किसी भी सेक्शन में बैठ जाना, वही खुदा बंदु से बात करने वाला है इस मसीह के नाम में। यदि आप मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हैं, खुदा वही बैठे बैठे आपको फलवंत करने में सामर्थ्य है। अगर ऑनलाइन देख रहे हो और बीज बो रहे हो, वही खुदा घर में उतरने वाला है इस मसीह के नाम में। अगर हॉस्पिटल में हो फिर भी बीज को पकड़ रहे हो, वही खुदा चंगा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कि खुदा ने बोला बदल जा, पड़ोसी को बोलो बदल जा, बोने का फैसला ले। फलवंत भूमि है इस समय, परमेश्वर के दास ने बोला इस महीने में खुश रहता हूं। तंगी है खुश रह लो, बीमारी है खुश रह लो, प्रॉब्लम है खुश रह लो, दिक्कत है खुश रह लो, कि खुदा बंद उतरने वाला है बीच में यीशु मसीह के नाम में। और जनवरी आप शाइन होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। कितने सजदा करने के लिए तैयार है, कितने तारीफ करने के लिए तैयार है। जितनी तालियां बजाएंगे, जितना आमीन बोलेंगे, जितना हालेलुया बोलेंगे, उतना अभिषेक काम करने वाला आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, उतना सामर्थ उतरने वाला आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आज आप बोल रहे हो तो खाली नहीं जाने वाले यीशु मसीह के नाम। कितने देखने के लिए तैयार है खुदावंद को। आज अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं, बोलो खुदा मैं रेडी हूं, क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे बीच में आने वाले हैं। आज का वचन जब आपको देंगे, आज का वचन जब आप खाएंगे, परमेश्वर बदलेगा आपका जीवन, बदलेगा आपके घराने को, बदलेगा आपके परिवार को, बदलेगा। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे परमेश्वर के दास का, खुदा के नबी का, खुदा के चुने हुए नबी का हम स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, वचन की सेवकाई में जाएंगे। कितने लोग वचन का आदर करना जानते हैं, जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं परमेश्वर उनको 100 गुना आदर करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज हर एक जन अपनी आशीष को खुलता हुआ देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज तेरा कलाम, पवित्र आत्मा जी इनके घर में बरकत को लेकर आए परमेश्वर, बड़े छुटकारे को लेकर आए, इनकी शर्मिंदगी को हटाए परमेश्वर। आमीन। तेरा वचन आज इनके दर्द को दूर करे परमेश्वर, जिस पीड़ा में ये हैं परमेश्वर आजाद हो जाएं, हर पीड़ा इनके ऊपर से टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मैं उस पीड़ा को तोड़ देता हूँ इनके ऊपर से। आमीन। मैं उस पीड़ा को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं इस पीड़ा को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं इस पीड़ा को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर तूने वो पीड़ा मेरे ऊपर से खत्म कर दी है यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करता हूं पिता, सच में जितने लोगों ने आज हाथ उठाए कर परमेश्वर तेरे सामने विनती की है कि पिता परमेश्वर मैं तेरे वचन को सुनने का भूख और प्यासा हूं, पवित्र आत्मा जी ऐसे लोगों के घर में आज 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत आने पाए परमेश्वर। जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर वो 100 गुना काटने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। हां जी 30 गुना चाहिए के 60 गुना चाहिए, 100 तो मैंने कहा ही नहीं, इसका मतलब आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। सिर्फ आप बाइबल पढ़ते हैं, अमल नहीं करते। अगर आप अमल करते हैं तो विश्वास करो इसी साल में आपको मिलेगा यीशु मसीह का नाम। कितना गुना मिलेगा, कितने गुना मिलेगा? 100 गुना 100 गुना। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज 100 गुना लेके जाएगी तू। आज का हमारा टॉपिक है, सब लोग बैठ जाएं ध्यान से और वचन की सेवकाई में आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझे बरकत दे? पूछना पड़ता है, जब आप हाथ खड़े करते हैं तब मैडम को पता लगता है कि अच्छा अबलू भी स्कूल में आया, टबलू भी आया है और चुबलू भी स्कूल आया है, इसका मतलब इना मीना डी का भी स्कूल आई है। तो जब आप हाथ उठाते हैं पास्टर इसलिए पूछते हैं क्योंकि मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ, अपने प्रभु के दर्शन से। स्वर्गदूत चर्च के अंदर होते हैं जब प्रचार हो रहा होता है, और जो लोग हाथ उठा रहे होते हैं कहीं सो रहे होते हैं उस समय, वो उनकी एब्सेंट लग जाती है, इसलिए हम बीच बीच में उनके हाथ उठवाते हैं। और जब वो हाथ उठाते हैं
तो उनकी प्रेजेंट लगती है, स्वर्गदूत उसकी तरफ ध्यान करता है, उसको कहता है ये है वो बंदा, इसको मैं आशीर्वाद दूंगा आज। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूत भी संडे चर्च में जाते हैं और ठान लेते हैं कि आज के दिन मैंने किसको आशीर्वाद देना है। आज आप अपने पड़ोसी को आशीर्वाद दिलाने के लिए ठान लो आज। हालेलुया बोल कर अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तेनु आशीर्वाद दिला के रवांगी। बोलो आज मैं तेनु आज आशीर्वाद दिला के रवांगा। कहीं कह रहे हैं कि मैं तो खुद लेवांगा। जब आप दूसरे को आशीर्वाद दिलाते हैं तो पहले आपके ऊपर आएगा, याद रखना। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है पवित्र आत्मा आज रात काम कर रहा है आपके लाइफ में। आप आशीर्वाद के मूल ठहरे गए हैं, आप चुने हुए लोग हैं। आमीन। आज का टॉपिक है जो परमेश्वर ने ठान लिया है उसे पूरा करेगा। जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में ठान लिया है, आज हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई निराश हो, कोई घटी में हो, कोई परेशानी में हो, कोई कर्जे में हो, कोई कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो हार गया हो, थक गया हो और कह रहा हो कि पता नहीं परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करेगा कि नहीं करेगा। फोटो खिंचा लो बस। हाँ तो तंग ना करो। तो आपको सुनना है, ध्यान से करें कि हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो और आप निराश हो, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो लेकिन कोई काम ना बन रहा हो, आप हार गए हो, थक गए हो और आप कह रहे हो कि शायद कुछ नहीं हो सकता और शैतान आपके विचारों से बात कर रहा हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपनी लाइफ में तू कुछ नहीं बन सकता, तू तो काला है, तेरी तो नाक टेढ़ी है, तेरे तो कान ऐसे हैं, तेरे तो बाल ऐसे हैं, तू तो अच्छा नहीं लगता। स्क्रीन पे अपनी फोटो देख ले, अपनी शक्ल देख ले। मैं भी बार बार देखता रहता हूँ। सारे बोले हालेलुया। कह रहा लेकिन आप चाहे कैसे भी हो, लेकिन जितने प्रभु के भवन में संडे को घुस गए हैं, परमेश्वर कहता है मैंने ठान लिया उनके लिए कोई बड़ा प्लान पूरा करने के लिए। समझ में आया कि नहीं? जितने परमेश्वर के वचन में करे के तैयार होकर बैठ गए हैं वचन के लिए, करे के आज मनन करने के लिए। भैंस कैसे बैठती है? भैंस कैसे बैठती है? भैंस अपनी पोजीशन में होती है खाना खाने के लिए, पहले खोर में खुरली में ऐसे खाती है कि नहीं? और उसके बाद क्या करती है? बैठकर फिर ऐसे करती है, मेरे मालिक ने कितना अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छी प्राणी थी, बहुत अच्छा घास ही, बहुत अच्छा पूसी, बहुत अच्छा हरा हरा चारा था, आटा था, डालते ना ग्रीन ग्रीन के ऊपर आटा डालते ना, तो भैंस कितनी जल्दी जल्दी जीभ मारती है फटाफट। आपको विश्वास करना आज, आज तक परमेश्वर ने आपको कुछ दिया या ना दिया हो, लेकिन जो यहां से जाने के बाद मनन करेगा उसके घर परमेश्वर कुछ अच्छा डालकर जाने वाला आज। आमीन। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा परमेश्वर ने ठान लिया आज आपकी बढ़ोतरी करने के लिए। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में है, मैं कह रहा हूं बढ़ोतरी हो कर रहेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं एक फोटो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर कि एक बच्चा पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, ऐसे उल्टा, वो देखो स्क्रीन पे उल्टा। इसका एग्जाम था, अपने बाप इसका बाप इसको देख रहा है, पेपर है इसका आधे घंटे के बाद, स्कूल में इसका एग्जाम है और क्या कर रहा है? उल्टा लटक गया। इसके बाप ने कहा अबे एग्जाम का टाइम है, ये क्या कर रहा है? कहता है एग्जाम तो हैगा। कहता तेनों नहीं पता? कहता की हो गया? कहता की हो गया? कहता मैं ना सिर दर्द की गोली खाई है। तो कहता सिर दर्द की खोली खाई है, फिर पुट्ठा क्यों लटके है? कहता पेट से जाएगी, पहला आधा घंटा लाएगी। कहता मैं सोचा सीधा ही लेट जा, सीधी सिर च जाएगी सीधी। हालेलुया। कहता सीधी जाएगी सीधी। कहता आधा घंटा जरूर खराब करना, पहले अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदर घूम फिर के फिर ऊपर जाएगी। कहता मैं ऐदा लेट गया, कहता सिर दी गोली सिर च ही जानी आज। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है सीधी सीधी जाएगी सीधी। हालेलुया। कह रहा आधा घंटा रह गया पेपर में, आधा घंटे में इसने टैबलेट में आराम करना है। कह रहा मैं ऐसी गोली खाता हूँ और ऐसे ही कर लेता हूँ, सिर सीधी गोली सीधी सिर में जाएगी, 15 मिनट में आराम, फटाफट पेपर देने जाऊंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? लोगों ने क्या ठाना है, क्या विचार किया है, क्या आपका प्लान है? परमेश्वर को मतलब नहीं है, लेकिन अगर आज आप कह रहे कि परमेश्वर के साथ एक निजी रिश्ता बनाते हैं अपने करेक्टर में,
करें कि परमेश्वर के करैक्टर जैसा परमेश्वर मसीह का करैक्टर था और जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, अगर आप प्रार्थना करके रिलेशन बनाते हैं तो याद रखना परमेश्वर करे कि आपके लिए एक बड़ा प्लान लेकर आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हेलो हेलो हेलो, कौन मुझे वोट देगा? आपने कितने लोगों को कहते सुना, कितने लोगों को कहते सुना? हाथ वाले को भी, कान वाले को भी, नाक वाले को भी, चश्मे वाले को, डंडे वाले, कमल वाले को, सबको कहते सुना होगा आपने, हेलो मुझे वोट देना, मैं अगली बार एक नया प्लान तुम्हारे देश में लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारी कच्ची नालियों को, पक्की नालियों को भी कच्चा करा दूंगा। ये उनका नया प्लान, मैं तुम्हारी पक्की सड़कों को भी कच्चा करा दूंगा, ये नया प्लान। आते हैं लोग आपके सामने प्लान लेकर आते हैं, इतनी नौकरियां दी जाएंगी, इतने ब्याह कराए जाएंगे, इतना फ्री इलाज किया जाएगा, जीतने के बाद कुछ नहीं होता, हालेलुया। लेकिन उनका प्लान धरा का धरा रह जाता है, लेकिन यहोवा ने भी एक प्लान कर लिया है आज, हालेलुया। यहोवा ने ठान लिया है और बाइबल बोलती है जो यहोवा ठान लेता है उसको पूरा करके रहता है, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करने वाली बात है, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है, यशाया की पुस्तक बोलती है, परमेश्वर ने जो कल्पना तुम्हारे लिए कर ली है, जो योजना उसने तैयार कर ली है, करे वो हानि की नहीं लाभ की होगी, हालेलुया। हालेलुया। आज से आपके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए करे के परमेश्वर ने ठान लिया आज, आज आपके लिए कुछ नहीं, आज बहुत कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाऊं, आज हो सकता है आपका कैरियर हो, आपका आईलेट्स में हो, परमेश्वर ने कहा है कि मैं इस साल तुझे बढ़ाऊंगा, उसने ठान लिया कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, उसने ठान लिया मैं इस साल तुम्हारी प्रमोशन करूंगा, इस साल उसने ठान लिया है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर रहूंगा, इस साल उसने ठान लिया है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं इसी समय तुम्हारे लिए योजना तैयार करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। आज परमेश्वर ने ठान लिया है करे के जिसके पास बच्चा नहीं है मैं उसको बच्चा देकर रहूंगा यीशु मसीह के नाम में, जो बीमार है उसे मैं चंगा करके रहूंगा, ठान लिया मेरे परमेश्वर ने आज करे के। लेकिन आज को आपको विश्वास करना है, करे परमेश्वर ने जो अपने अंदर ठान लिया है अपने चुने हुए लोगों के लिए, वो उनकी जिंदगियों में पूरा करके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पहले यह विश्वास करना है कि आप चुने हुए भाग हैं, हालेलुया। हम देखते हैं यशाया 14 के 27 को पढ़ेंगे, हम स्क्रीन पर देखेंगे निकालना, यशाया 14 के 27 को, हाँ कोई पढ़े, हालेलुया। हाँ, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, हाँ, और कौन उसको टाल सकता है, उसका हाथ बढ़ाया गया है, हाँ, उसे कौन रोक सकता है, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? करा यहोवा ने एक प्लान किया है, यहोवा ने एक युक्ति की है कि आज करे कि मैं इसकी प्रमोशन करके रहूंगा, उसने ठान लिया है, इस आदमी पर नजर कर ली है आज रात मेरे परमेश्वर ने, करे कि मैं इसकी बढ़ोतरी करूंगा, जितने लोग मुझे देख रहे आज परमेश्वर ने युक्ति कर ली है, फैसला ले लिया है, करे मैं इस साल में बढ़ाकर छोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी प्रमोशन करेगा, ये पवित्र आत्मा है करे। लेकिन बहुत सारे लोग डरे डरे घूमते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रमोशन करेगा या नहीं करेगा, कोई जादू टोना मुझे आगे बढ़ने देगा कि नहीं बढ़ने देगा, मेरे घर में कोई दुष्ट आत्मा है, कोई प्रॉब्लम है, लोगों के विचार, आपके विचार आपको डराते हैं कि तू आगे नहीं बढ़ सकता। अरे जो यहोवा ने ठाना है उसे पूरा नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं आप जो ठानते हैं कई बार उसमें फ्लॉप हो जाते हैं, आपके प्लान फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन वो कोई मनुष्य नहीं जिसका प्लान फ्लॉप हो जाए, वो राजाओं का राजा है, वो यहोवा का यहोवा, वो परमेश्वर है, वो यहोवा जोरावर है, वो बोल रहा है कि आज तुम्हारे प्लान नहीं बेशक बेकार हो जाएं, लेकिन यहोवा ने जो प्लान तुम्हारे लिए किया है वो सक्सेसफुल होने वाला है, आमीन। कह रहा उसकी युक्ति है ये, हालेलुया। उसने युक्ति कर ली है, उसने एक बात सोच ली है, कह रहा कि इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान्स योर इन योर लाइफ, हालेलुया। कह रहा कि नथिंग कैन स्टॉप God's plans in your life. आपकी लाइफ में जो परमेश्वर ने सोच लिया उसे कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, आमीन। पूरा होकर रहेगा, समझ में आएगा नहीं? परमेश्वर आपकी लाइफ में वो प्लान पूरा करना चाहता है, समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। कह रहा है इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा, नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान इन योर लाइफ, हालेलुया। कह रहा आपकी लाइफ में ये प्लान जो परमेश्वर का है
वो पूरा होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आमीन बोलकर उस प्लान को पूरा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया बोलकर कंसीव कर सकते हैं आज। हालेलुया। कोई भी चीज, कोई काला जादू, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के रिश्ते से अलग नहीं कर सकती, कोई दुष्टात्मा आपको अलग नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई अलग कर सकता है, अगर परमेश्वर के प्लान को कोई माइका लाल इस धरती पर नहीं रोक सकता। ये याद रखना, जो परमेश्वर ने ठान लिया उसको पूरा करता है। और परमेश्वर ठानता ऐसे नहीं है, परमेश्वर आपके माँ बाप से ही ठान लेता है कि मैं इसके वंश को क्या आशीष दूंगा आपसे। हालेलुया। याद रखना, एक व्यक्ति को परमेश्वर बाइबल बोलती है कि वो उसकी माँ के गर्भ से ही चुन लेता है, वो जानता है। लेकिन अगर आज आप बार बार नाकामयाब, निकम्मे, आलसी, अपने आप को गधा, बेकार समझ रहे हैं, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बेकार रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो लोग बर्बाद होते हैं। कह रहे, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि कोई भी ताकत आकर, हो सकता है आपका पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, या कोई पास्टर भी आपको आकर कह दे कि तू बढ़ नहीं सकता। अगर आपके अंदर टैलेंट है लेकिन आप अपने टैलेंट से नहीं, आज परमेश्वर के टैलेंट से बढ़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ, आपका संबंध है परमेश्वर के साथ, आपका करैक्टर है परमेश्वर जैसा, यीशु मसीह जैसा, तो मैं कह रहा हूं कि कोई माइका लाल आपकी आशीष को रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है। कह रहा, जितने मेरे चुने हुए हैं, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, उतनों को मैंने अपनी संतान होने के लिए अधिकार नहीं दिया, खाली अधिकार नहीं दिया, कह रहा हूं जो कुछ मेरे पास है मैंने उनको देने का प्लान कर लिया आज। आमीन। आमीन बोलने वाले तैयार हो जाओ आज। आमीन। हम देखते नीति वचन 21:25 में कि परमेश्वर ने कह दिया है सबको, कह रहे हैं कि कोई भी बात परमेश्वर ने ठान ली है तो वो आपकी जिंदगी में पूरी होकर रहेगी। आमीन। कोई घोड़ा, गधा, जानवर, कुत्ता, बिल्ली आपका रास्ता काट जाए और आप कहें कि शायद परमेश्वर ने मेरा प्लान रोक दिया। एक आदमी अमेरिका वीजा लेने के लिए जा रहा था और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई, और वो कहता, कौन था? मसीह था। कहता, रुक जाओ रुक जाओ। 3 बार उसने ऐसे किया, उसकी जाने कहती की हो गया, तो तुम्हें नहीं पता बिल्ली रास्ता कट गई, गड्डी रोक लो। कौन? मसीह व्यक्ति। मतलब बाइबल पढ़ने वाला अमेरिका का वीजा लेने जा रहा है, बिल्ली रास्ता काट गई तो कह रहा है, ओ भाई साहब गड्डी रोक ले। कहता, कम खराब हो जाना, पहला गड्डी किसी की लंघन दे। कह रहा, किसी की गड्डी लंघन दे ओ जाएगा गेड़े च, आपा नहीं जावेंगे गेड़े च। जिसकी गड्डी लंघी वो भी एम्बेसी के बाहर गया, उसका वीजा लग गया, महाराज का वीजा नहीं लगा, रोते भी आ रहे हैं वापिस। कह रहा है इसकी तो गड्डी मेरे से पहले लंगी थी। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने अपने मन में, अपने विचारों में डिफरेंट युक्तियां बना रखी है, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि एक चीज है जो आपको रुकावट कर सकती है, परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता उसके प्लान के लिए, वो सिर्फ आपका मन है, आपके अंदर ही छिपी हुई है वो रुकावट, आपके अंदर का मन। जब आपके अंदर का मन कोई तोड़ देता है, जब आप अपने मुंह से करा कुड़कुड़ाने लगते हैं और दूसरा आलसी हो जाते हैं, दिखाएंगे स्क्रीन पर, करा के दो तरह के लोगों से परमेश्वर अपना प्लान बदल लेता है। एक आलसी, व्यवस्था विवरण में भी लिखा 47:10 में के क्लियर लिखा, कह रहे आलसी शरापित होगा, जो आलस से काम करता है वो शरापित होगा। और इसमें भी क्या लिखा, हटा बिरा इसको दिखाना नीति वचन को, देखो लिखा, आलसी अपनी लालसाई में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। कह रहा है एक आलसी, और दूसरा कह रहा है उसका मुंह, कह रहा है कि वो जिस मुंह से कह रहा है कि अंगीकार करता है, जिस मुंह से उसका मुंह, कह रहा है कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग चर्च आने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो अपने मुंह से कुड़कुड़ाते हैं, वो अपने मुंह से कुड़कुड़ाहट अपने अंदर रखते हैं। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कई बार उनके लिए जो प्लान होता है उनको रोक देता है, लेकिन रोक दिए हैं, छोड़ा नहीं है। लिखा, तुम सताए जा रहे हो लेकिन त्यागे नहीं जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा, त्यागे नहीं गए हो। कह रहा, अगर आज आपका काम नहीं बन रहा, शैतान आपके दिमाग में डालता है, अरे तेरा काम नहीं बना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे मेरे को बच्चे का समय नहीं आया, मेरी जॉब नहीं मिली, मेरा ये नहीं मिला। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा प्लान है, जितने दिन प्लान है मेरा उतने दिन तुझे दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की योजना है, कोई आपके जीवन से वो पूरा करना चाहता है, लेकिन जो लोग उस योजना से भागते हैं वो लोग अपनी लाइफ में देरी को देखते हैं, बर्बादी को देखते हैं,
और प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद के जीवन के बारे में, बहुत सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना, दाऊद को परमेश्वर ने इसराइल का राजा होने के लिए क्यों चुना। परमेश्वर ने शमूएल प्रोफेट को कहा कि तू जा और दाऊद कह रहे कि वहां पर तुझे एक यिशे का बेटा मिलेगा, नाम नहीं बताया, कह रहा यिशे का बेटा मिलेगा और जाकर कह रहा कि तुझे खुद समझ में आएगा किसके ऊपर तुझे आज कह रहा ऑयल डालना है और किसका अभिषेक करना है राजा होने के लिए। और जब शमूएल जब वहां पर गया उसी समय उसका पहला बेटा उसके सामने एक बेटा मिला उसका अलियाब, और उसी अलियाब को देखने के बाद उसने देखा बड़ा सुंदर है और उसके बाद उसने उसके ऊपर ऑयल डालना चाहा, अपने मन में विचार कर रहा था। तभी परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि नहीं, इसके लिए प्लान नहीं है मेरा, ये इसके लिए नहीं है। फिर उसके बाद शमा कह रहा दूसरा बेटा आया, कहता इसके लिए भी नहीं है। सात बेटे उसका बाप उसके सामने लेकर आया लेकिन एक भी उसने नहीं चुना, बोलता है मेरा प्लान इनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। और उसी समय प्रॉफिट ने पूछा, कह रहा कि तेरे और बेटे नहीं है क्या, यही बेटे हैं? उसने कहा मेरा एक बेटा और है, बड़ा बेटा। कहता कि वो कह रहा कि काम कर रहा है, कह रहा है कितनी धूप में इतनी गर्मी में क्या कर रहा है? कहता है वो भेड़े चराने के लिए गया है, वो चरवाहा है, कह रहा है कि वो भेड़े चरा रहा है, पशु चरा रहा है, कहां पर? धूप में, गलियों में। कह रहा है अच्छा। और उसके बाद कह रहा है कि उसको बुला, कह रहा मैं उसको चुनूंगा। क्यों चुनूंगा? क्योंकि वो जब भेड़ चगाने के लिए जा रहा था एक जगह पर भालू उसकी भेड़ को खाने के लिए आ गया। परमेश्वर ने क्यों चुना उसको? क्योंकि उस समय में हो सकता था वो डर के मारे भाग जाता, लेकिन उसने अपने भेड़ की रक्षा किया और उसने भालू को फाड़ खाया। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद शेर आ जाता उसके सामने, और उसी समय शेर से भी वो अपने भेड़ को बचाता है, और उसी समय यहोवा जान लेता है, कह रहा है ये लड़का कह रहा है मेरी भेड़ों को बचाने वाला होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये लड़का लोगों की रक्षा करने वाला होगा, ये इसराइल के अंदर कह रहा है कि शांति लेकर आने वाला होगा, ये लड़का लोगों के अंदर, इसके अंदर दया है, इसके अंदर मेहनत है। कहता है कि इस लड़के को मैं चुनूंगा। और ज्यादा काम करने वाले को परमेश्वर चुनता है, याद रखना, ज्यादा काम करने वाले को चुनता है। बाइबल बोलती है ज्यादा काम करने वाला था दाऊद अपनी लाइफ के अंदर, और उसी समय उस दिन उसके लिए भविष्यवाणी हुआ। दाऊद को देखते ही उसने उसके ऊपर ऑयल डाला और उसको कहा, कह रहा जा, परमेश्वर ने तुझे ठान लिया है, आज के बाद तू इसराइल का राजा होगा। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन से उसके भाई उससे चलने लगे। अरे ये क्या हुआ? उसी दिन से उसकी लाइफ में मुसीबतें आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी, और कह रहा कि बार बार प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, उसके भाई उससे जल रहे हैं। और उसके बाद कह रहा जब उसकी शादी हो गया, उसी का ससुर शाऊल उसको मारने के पीछे उसके पीछे दौड़ रहा है, उसको मारने के लिए दौड़ रहा है, और वो जल रहा है, निराश हो गया है दाऊद। लेकिन उस समय में कह सकता था कि परमेश्वर तेरे दास ने तो प्रोफेसी की थी मेरे लिए कि तू राजा बनेगा, लेकिन ये क्या हो रहा, कभी जंगल में कभी घर में, कभी जंगल में कभी घर में, कभी जंगल में कभी घर में, ये क्या हो रहा है? लेकिन उसी समय लोग आकर बोल रहे थे, उसकी पत्नी बोल रही होगी, उसके परिवार के लोग बोल रहे होंगे, सैनिक बोल रहे होंगे, अरे क्या हो रहा है तेरे साथ, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है क्या? लेकिन दाऊद के मुंह से एक ही बात निकलती है, बोलता है उसका कोई बड़ा प्लान है मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। पूरा होकर रहेगा। दाऊद ने कन्फेस किया, दाऊद ने क्लेम किया कि मेरे जीवन में परमेश्वर का कोई बड़ा प्लान है, बड़ी योजना है, और वो आज रात पूरी होकर रहेगी। और इसी समय शाऊल ने उसको मारने की कोशिश किया, सोते हुए को भाला मारने की कोशिश किया, लेकिन एक भी भाला उसके पर लगा नहीं। मैं कह रहा हूं उसने कई भाले चलाए, कई योजनाएं बनाई, सबकी सब फेल हो गई, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना को तोड़ना चाहा शाऊल ने। लेकिन वो किससे मुकाबला कर रहा था? परमेश्वर के प्लान से मुकाबला कर रहा था, लेकिन नहीं तोड़ पाया, और एक दिन वो खुद ही मर गया और दाऊद राजा बना दिया गया। परमेश्वर का प्लान पूरा हो गया। याद रखना, जिस दिन आप प्रभु में आते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर की सेवकाई में करा के पैर रखते हैं, उस समय जब आपके लिए प्रोफेसी होती है, जब आप चुने जाते हैं, जिस दिन आप प्रभु में बुलाए गए, जिस बार पहली बार आपने बैप्टिज्म लिया, उस दिन से आपके लिए आपने ये सुनकर लिया था कि आज से तेरे काम खुल जाएंगे बच्चा। आमीन। सुन के लिया था, पादरी लोग ऐसे ही बोलते हैं। और उसके बाद कभी ये मुसीबत आ रही है, कभी वो मुसीबत आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है, दिल कर रहा है भाग जाऊं यहां से, अरे दिल कर रहा है छोड़ दूं यीशु को, लेकिन
एक अच्छा विश्वासी आत्मिक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति छोड़ता नहीं है। वो अपनी मुसीबतों में, हो सकता था दाऊद अपनी गरीबी में, लाचारी में, अपनी प्रॉब्लम में, अपनी मजबूरियों में पाप से समझौता कर लेता, लेकिन उसने नहीं किया, या रिलेशन तोड़ लेता, लेकिन उसने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चल के बना कर रखा। और परमेश्वर ने कहा, जिसको मैंने चुना था, जिसके लिए मैंने ठाना था, सही ठाना था, बोलता है, कह रहा है कि मुझे एक लड़का मिल गया है, एक मनुष्य ऐसा मिल गया है जो मेरी युक्ति पर चलेगा, और मैं उसे पूरी दुनिया के अंदर करा इज़राइल का राजा बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको, करा आपके महंगे महंगे कपड़े नहीं देखने के लिए आया परमेश्वर, आपके मोबाइल नहीं देखने के लिए आया परमेश्वर, आपकी कार आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं आया परमेश्वर, चाहता है आपके अंदर के फ्रूट को देखना चाहता है। अगर आपके अंदर का फ्रूट जाग रहा है, याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल परमेश्वर के प्लान को आपके जीवन में पूरा होने से रोकने वाला नहीं है। आमीन। आप जितने आमीन बोल रहे हैं, आज परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया बोलकर आज पूरा कर लो आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितने चुने हुए आज वो पूरे होने के लिए जा रहे हैं, आशीष आने के लिए जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था, जब मैं प्रभु में आया, मुझे ये कहकर बताया था ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मैंने बैप्टिज्म ले लिया। मैंने कहा चलो अब शांति आएगी, बड़े टाइम से दुख उठाया। मुझे एक चीज़ ऐसी तंग करती थी कि वीरवार को मुझे गुस्सा आता था और मुझे जाकर तागा बांधते थे, और उसके बाद शुक्रवार को मैं किसी को पीटता था, शनिवार को मैं थाने में चला जाता था, और सोमवार को मेरी जमानत होती थी। मैंने कहा ये क्या है, मेरे साथ हर हफ्ते ऐसा होता था, और मैं परेशान हो गया, मेरे घर के परेशान हो गए, परिवार के परेशान हो गए, मेरे हाथ में जो चीज़ आती थी मुझे पता नहीं लगता था, पागलों की तरह हाथ में डंडा आया तो डंडा मार दिया, जो सिर में आया वही मार दिया, मेरे पास लोग बैठते हुए डरते थे क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या होता था। एक दिन मुझे पता ही नहीं कि मेरे ताऊ का लड़का, मेरा सगा भाई मेरे साथ बैठा है, और मैंने ईंट उठा के कुल्हाड़ी उठा के उसके सिर में मार दी, उसका सिर फट गया। मैंने कहा मेरे घर वाले मुझे इधर उधर ले जाते फिरे कि इसको क्या हो गया है, ये लड़का तो ठीक है लेकिन ये अचानक क्या करता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं अपने माँ बाप को अपने परिवार के लोगों को बोलता था, मुझे कोई चीज़ दिखती है और वो मुझे ऐसे गुस्सा से करती है, मैं डर जाता हूँ, पता नहीं उसके बाद क्या होता है। आज बहुत सारी औरतें दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम में हैं, आज बहुत सारे भाई लोग दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम में हैं, हो सकता है। ओ देखो उधर कर कैमरा, घंटा कर कैमरा कर उधर, हाँ ये देखो प्रचार, जो मैं कह रहा हूँ, मैं प्रचार आपको लुभाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार कर रहा हूँ। वो देख कैसे कर रहा है, उसको पता नहीं अभी किससे लड़ रहा है, वो उसको पता नहीं किससे लड़ रहा है, आज हम कुश्ती लड़ेंगे इसके साथ प्रचार के बीच में। सारे बोला हालेलुया, और कोई नहीं आएगा, ये कहते हैं कि पुलिस वाले लेके घूमता है, चलो आओ 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 आ जाओ आ जाओ, ये तलवार भाले के साथ आ रहा है, बड़े जोर के साथ आ रहा है, लेकिन हम किसके साथ आ रहे हैं, यहोवा यीशु मसीह के नाम से। इसी समय करा ये ले, निकल जाए वो सारे शराब इसके ऊपर से, फ्री। हो गया ढीला, पेट में से नीचे आ गया संडास में, जहां जो भी करता है साफ करके बाहर चल, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, आपको सुनना है और समझना है, कह रहा प्रचार का मतलब आप समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये चीजें तंग करती हैं, किसी लोगों को पता नहीं होता, ये आपको परमेश्वर ने दिखाया, ये एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया स्टैंड सीन, तू खड़ा रह स्टेज बन के चुप, सुन रहे हाँ सुनेंगे, और हिलना नहीं बोले प्रचार में, खड़ा रह ठीक है, कैमरा कर इसकी तरफ, कैमरा कर, हिलना नहीं यहीं पे खड़े रहना प्रचार के बीच में, चल स्टैचू ठीक है। सारे बोला हाले, आप क्या समझ रहे हैं, कोई ताकत है जो आपको बर्बाद करना चाहती है, इस लड़के को मारना चाहती है, शैतान ने ठान लिया इसको मारना है, कह रहा था भी मैं इसके पेट को नहीं छोड़ूंगा, और ऐसे कर रहा था आजा, यू कर रहा मुझे, और मेरे साथ वाले भी कह रहे लगता है हमारी नौकरी जाएगी, भाई साहब क्या करवा रहा पादरी। लेकिन हमने क्या करना है, झगड़ा थोड़ी करना है, हम झगड़ा नहीं करते, हमें पता है परमेश्वर ने ठान लिया है मेरे लिए, आमीन, आपके लिए ठान लिया है, आपका विरोधी भाला चलाए, तीर चलाए, आपके खिलाफ गाली दे, झूठ बोले, मक्कारी करे आपके साथ, लेकिन आपको गिराने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने कहा तेरा बच्चा बढ़ोतरी करे ही करेगा इस साल में।
द्वारा ठान लिया है मेरे परमेश्वर ने। आज मैं कह रहा हूं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था, तू खड़ा रहिया सही, कैमरा कर उधर, तू खड़ा रहिया सही, सुन गया, कैमरा कर स्क्रीन पे दिखा इसको, तू ऐसे ही खड़ा रहियो, ठीक है, बस हाँ ठीक है। सुनो आपको सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं सुसाइड करने जा रहा था लेकिन मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया और उसके बाद मैं इतना बड़ा प्रॉब्लम में था, मैं कह रहा था कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया शुरू में, एक व्यक्ति मुझे सुसमाचार सुना रहा है और मुझे बोल रहा है परमेश्वर का एक प्लान है आपकी लाइफ से। मैंने कहा क्या, मैंने कहा क्या, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। कहता है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, कहता है हॉस्पिटलों के लोग दौड़ दौड़ कर, बीमार लोग जिनको जवाब दे देगा डॉक्टर, वो तुम्हारे चर्च में आएंगे, हॉस्पिटलों पे ताले लग जाएंगे। हालेलुया। और उस समय मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही बोल रहा है, टल्ले मारी जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने अपने आप को देखा शीशे में जाके, मैंने कहा यार, क्योंकि बचपन में मैं अगर मैंने मेरे पास सिर्फ बचपन में एक ही फोटो थी, मेरे पास फोटो बहुत खिंचाई थी, बहुत ही फोटो स्कूल में खिंचानी पड़ती थी, खींचे खिंचाओ वो खिंचाओ वो खिंचाओ, जितनी आती थी सारी फाड़ देता था मैं, क्योंकि मैं बहुत काला था, मेरा नाक वो टेढ़ा था ऐसे, मुझे अच्छा नहीं लगता था अपने यहाँ फोटो में, तो मैं उसको सारी फोटो में फाड़ देता था। मैं बोलता था नहीं यार, मैंने कहा मेरी शक्ल नहीं अच्छी, अकल मेरे पास है नहीं, इंग्लिश मुझे आती नहीं, ये मुझे कह रहा है इतना बड़ा काम करेगा। मैंने कहा मैंने कहा रात को मैं चुपचाप सिगरेट पी लेता हूँ, शराब पीता हूँ, मैं उस समय प्रभु को जानता ही नहीं था। मैंने कहा मैं तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ, लेकिन मैं ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, इसका दिमाग सटिया गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात घूमती रही घूमती रही घूमती रही, और जिस दिन से उसने प्रोफेसी करी मैं उस दिन से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम में जाने लगा। मैं फिर किसी पादरी के पास गया, उसने मेरे को बपतिस्मा दिया, उसने कहा जा आज से तेरी आशीषें खुल रही हैं। उसके बाद भाई साहब जेल गया 3 बार। मैंने कहा हैं ये क्या 3 बार, एक बार नहीं 3 बार, किस लिए? किसी को बता रहा था यीशु मसीह भगवान है, कहते हैं अच्छा कर चलो इसको जेल में डाल दो। मैंने कहा यार ये क्या 3 बार। जब मैं निराश हो गया, मैंने कहा यार प्रॉब्लम ही आई जा रही है बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कोई लड़ने आता है, कभी कुछ करने आता है, सारे काम उल्टे हो रहे हैं। घर में बैठा था, प्रार्थना करने बैठा, डैडी कह रहा सुधर गया, कहता चल ठीक है प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना करने के बाद पता नहीं क्या मकान हिला करके ऊपर से सारा गिर गया। कहता ये कैसी प्रार्थना है? मैंने कहता निकल जा, गेट आउट माय हाउस। मैंने कहा ओके। मैंने देखा यार वाकई दीवार में तिरेड़ पड़ गई है। मैंने कहा ये कैसी प्रार्थना? मैंने कहा यार अब क्या करूं, निराश था, बोल सकता था, मन में विचार आते थे, लेकिन उसकी बात बार बार मेरे दिमाग में आती थी, पवित्र आत्मा की आवाज मेरे कानों में आती थी कि कोई है, कोई मुझे आवाज लगाता था, इधर शैतान की आवाज सुनता था, इधर पवित्र आत्मा की आवाज सुनता था, आवाज आती थी मैंने तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा प्लान करने के लिए ठान लिया है। हालेलुया। भागना चाहता था मैं, मरना चाहता था मैं, प्रॉब्लम में था, अपनों ने छोड़ दिया था, बेसहारा हो गया था, प्रार्थना करने के बाद भी मैं असफल हो गया था, लेकिन मुझे सिर्फ यही बात याद रही कि परमेश्वर को कोई प्लान मेरी जिंदगी में है। मैंने 3 बार हटना चाहा, मुंह से कुड़कुड़ाना चाहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं विश्वास करता हूं। मैं बार बार एक ही बात बोलता था कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान मेरे जीवन में एक दिन पूरा होगा। हालेलुया। और एक रात एक स्वर्गदूत आया मेरे सपने में और उसी से मुझे सुबह उठाकर कहता है, कह रहा सुन, कह रहा कि पूरी दुनिया के अंदर मैं तुझे फेमस करूंगा, तू मेरा चुना हुआ दास होगा। आमीन। और आज मैं देखता हूं वर्ल्ड में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया वजह से कहा था। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो रुंगा दिया हुआ शुरुआत है, अभी तो असली तो आपने अभी देखना है। हालेलुया। जिस दिन मुझे फड़फड़ इंग्लिश आ गई ना, उस दिन तुम देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, सिर्फ वो इतने दिन के लिए मुझे चुन रहा है अभी। हालेलुया। इतने दिन के लिए मुझे पकड़ के रखा अभी, आप समझ रहे हैं कि नहीं? कोशिश तो करता हूं मैं भी, करें नथिंग कैन स्टॉप, चाहे आज लिख कर लाया गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। हालेलुया। आज मेरी लाइफ हो चाहे आपकी लाइफ हो, परमेश्वर का प्लान आज रात आपकी लाइफ में पूरा होकर रहेगा। आमीन। कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। आमीन। कोई शैतान नहीं रोक सकता। आमीन। सिर्फ आप रोक सकते हैं, आप रोक सकते हैं। कैसे?
देख रहा है इसराइलियों के जीवन में परमेश्वर का एक प्लान था। क्या प्लान था? कि इसराइलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर कनान देश में लेकर जाना, एक अच्छे देश में, फ्रूट थे वहां पर, करा एक अच्छे देश में लेकर जाना, करा दूध दही का खाना मारा हरियाणा सब में लेकर जाना। लेकिन अच्छा प्लान था परमेश्वर के पास, लेकिन उस प्लान में वो शामिल हो गए और उनको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में परमेश्वर ने उनका प्लान, अपना प्लान कैंसिल कैसे कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि उनके मुंह ने कराया, रोज बोलते थे पता नहीं हमारे लिए इससे अच्छा तो हम वहीं ठीक थे। ये क्या हो गया? जब खाना नहीं मिला, तीन दिन पानी नहीं मिला पीने के लिए, कुड़कुड़ाने लगे, तू सीधा खड़ा रह, हिलना नहीं से, दिखा कैमरे में, स्टॉप, हाँ स्टैचू बन जा, स्टैचू, स्टैचू का मतलब ऐसे सीधा खड़ा, हाँ ऐसे बस, सुनो, सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी भी मुसीबतें हैं आज रात मैं उनको आदेश देता हूं आपके गेट के बाहर स्टैचू हो जाएं। आमीन। आपके जीवन से प्लान है परमेश्वर का। आप हल्के वाले लोग नहीं हो, ये हल्का पादरी नहीं है, मुसड़ियों को वहीं रोक देता है। चुप, सुन रहे हो कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप छोटे लोग नहीं हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, आप चुने हुए लोग हैं। लेकिन कब परमेश्वर अपने प्लान को कब रोक देता है? जो लोग परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देते हैं, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते हैं, जो लोग करा पाप से समझौता कर लेते हैं, जो लोग करा अपनी हालातों में, अपनी कमजोरी में करा हार मान लेते हैं, परमेश्वर करा जो अपनी गरीबी में करा पाप से समझौता कर लेते हैं, उनके जीवन से करा परमेश्वर का प्लान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, स्लो हो जाता है, स्लो, छोड़ता नहीं है, उसका प्लान है आपके जीवन से। आप 7 बार गिर भी पड़ेंगे तो भी उठ खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। शैतान आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है वो परिस्थितियां, वो हालात आपको गिराने की कोशिश कर रही है। याद रखना यीशु मसीह वो चुंबक है, पकड़कर छोड़ता नहीं है। आप छोड़ देंगे उसको, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, वो आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रोफेट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।